दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों को देशभक्ति से जुड़ी फिल्म दिखाई जा रही है और बीजेपी का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों का तनाव कम करने के लिए फिल्म दिखाई गई। दिल्ली में आई बाढ़ ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। यमुना किनारे रहने वाले हजारों लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। इन लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। लोग अपना घर बार छोड़कर राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। यमुना का जलस्तर घट रहा है लेकिन लोगों की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई है। बाढ़ की वजह से घरों में रखे सामान भी खराब हो गए हैं। बीजेपी बाढ़ पीड़ितों के लिए जगह जगह शिविर चला रही है जहाँ खाने पीने की व्यवस्था की गयी है। शिविर में रह रहे लोगों को तनाव मुक्त करने के लिए बीजेपी देश भक्ति फिल्म दिखा रही है ताकि लोगों का मन लगा रहे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा राहत शिविर में घूमकर लोगों को देशभक्ति की फिल्म दिखा रहे हैं। मयूर विहार फेज वन इलाके में बने बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे सचदेवा ने वहां मौजूद लोगों के साथ बैठकर शेरशाह फिल्म देखी। ये फिल्म भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध पर आधारित है। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। अब देखना होगा कि बाढ़ पीड़ितों का दर्द कम होता है या नहीं, वो कब तक राहत शिविरों में रहेंगे, अपने आशियाने में कब तक जा पाएंगे।